राणावट डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आज आपको दिखाऊंगा घोर निराशा के बादल, ये घनघोर अंधेरी रात, और इस रात में दुखों के बादल अगर आपके साथ में हैं, इस प्रकार अगर इस अंधेरी रात में आपके साथ में दुखों के बादल हो सकते हैं, आपके जीवन में वो कठिनाइयाँ, वो समस्याएं हो सकती है जो नकारात्मक भाव देती है आपको, और ऐसी अंधारी रात में आपको उजाले की आवश्यकता है। उस दौरान अगर उजाला न मिले तो हो सकता है आपको कठिनाई हो जीने में, और आपको मान लिया जाए कि 100-200 किलोमीटर इस अंधेरी रात में जाना है, तब आपके दिमाग में गंदगी और गरीबी भरी हुई होगी, और जब गंदगी और गरीबी भरी हुई हो तो इस दौरान आप किस प्रकार से इस कठिनाइयों का सामना करेंगे वो आज मैं आपको बताऊंगा। अगर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर उगनाथ सिंह राणावत, एक मनोवैज्ञानिक और डाइटिशियन, आज आपको अंधेरी रात में कैसे गुजरना है वो मैं बताता हूँ। ठीक वैसे ही अंधेरी रात में गुजरने के अलावा आपके जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं, उस कठिनाइयों, उन मुसीबतों के टेढ़े मेढ़े रास्ते, ऐसी घनघोर अंधेरी रात में आपको कैसे गुजरना है। माना कि ये आप जीवन में अंधेरा है, पर आप ये देखिए कि आपकी लाइट मात्र 5 फीट तक है जो आपको उजाला देती है। इस अंधेरे को काटने की क्षमता है इस लाइट में, एक आशा की किरण है, और जब आप इस लाइट से इस प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे तो ये आपका अंधेरा कटता रहेगा। जिस प्रकार से ये अंधेरा कटेगा, वैसे ही आपके जीवन में जितनी कठिनाइयाँ आती है, जितनी समस्याएं आ रही है, उन समस्याओं में अगर आपको कहीं आशा की किरण दिखती है तो निश्चित है कि आपका ये नकारात्मक पहलू, आपके दिमाग के गंदे विचारों की ये गरीबी आपकी दूर हो सकती है। आपकी एक छोटी सी ये आशा की किरण आपको उजाला दे सकती है। आपको निर्भय रहने की आवश्यकता है। आपके दिमाग में जो डर और भय है उसको निकालने की आवश्यकता है। अगर ज़िंदगी के पड़ाव में आपको सफलता लेनी है तो आप उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करने की आवश्यकता है, और निरंतर आगे आपको सफलता मिलेगी उसके लिए आपको प्रयत्नशील रहना पड़ेगा, और प्रयत्नशील रहेंगे तो निश्चित है कि आपकी यात्रा सफल यात्रा होगी। आपको किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप निर्भय रहिए, मजबूत बनिए, और आप देखिए जैसे मेरी यात्रा अंधेरी रात में एक 15 फीट की दूरी से, ये जो लाइट लग रही है इस दूरी से आसानी से 100 किलोमीटर तो क्या हजारों किलोमीटर की यात्राएं आराम से कर सकते हैं। बस अर्थ है आपके पास में एक लक्ष्य हो। अगर आपके पास में लक्ष्य है, जाना है आपको गंतव्य स्थान पे, तो आप जरूर गंतव्य स्थान पे पहुंचेंगे। और आपके दिमाग में अगर गंतव्य स्थान जाने का निष्ठा नहीं है, आपके अंदर वो अनुशासन नहीं है, वो कथनी और करनी में अंतर है, तब आप रुक जाएंगे। आप छोड़िए इन नकारात्मक पहलुओं को, आप तो कर्म कीजिए और कोशिश करें कि आप ये अंधेरी रात ऐसी, भले बरसात की रात हो, मौसम अभी बरसात का, बरसात हो नहीं रही है, पर भले बरसात की रात हो, आराम से आप अपनी यात्राएं आगे बढ़ सकते हैं। अब तो निर्भय रहिए, निडर बनिए। अगर इस प्रकार की लाइट न हो तो भी ये आसानी से गुजरा जा सकता है। इधर उधर से साएं साएं की आवाज़ हो, आपको सुनने की आवश्यकता नहीं है। इधर से आपको किसी प्रकार की मन के अंदर कल्पनाएं हैं, उनको आपको
मारना है, कोई कल्पना देखनी नहीं है, बस एक लक्ष्य देखना है। किस तरह से, जैसे एक बार अकबर के दिमाग में आया था कि इस यमुना नदी के अंदर अगर कोई रात भर रह जाए तो उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, पर बीरबल ने एक व्यक्ति को ढूंढा और वो ब्राह्मण सारी रात उस यमुना नदी में बिताई और वो जिंदा रहा। तब सर्दी के रात में इस प्रकार जब वो जिंदा रहा तो उसको पूछा गया कि तू किस प्रकार से इस रात में, ठंडी रात में और यमुना नदी में तू जिंदा रहा, तो उसने एक ही बात बताई, हुक्म जहापना, मुझे मेरी बेटी की शादी करानी है और मुझे आपके महलों के दीपक से एक रोशनी दिखाई देती थी, उस रोशनी से मुझे आशा जगी कि मुझे वहाँ से पैसे मिलेंगे और मेरी बेटी की शादी होगी। इस प्रकार वो अपनी बेटी की शादी के लिए एक लक्ष्य था उसके पास में, एक जीवन में निष्ठा थी उसके पास में, सो वो आगे इस प्रकार अपनी निष्ठा में उसको माना और वह व्यक्ति रात को निकाल दी। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, आपके जीवन में बीमारी हो, व्यापार में हानि हो, पढ़ाई में समस्या हो, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप तो लक्ष्य निर्धारण कीजिए, आगे बढ़िए और प्रगति आपकी सफलता की राह देख रही है, आप ज़रूर सफल होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय राम जी की।